गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर स्टेनोवार जी की प्रहर कक्षाओं में, जहां हम बिहार सिविल कोर्ट के स्टेनोग्राफर के रिटन एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं डेली 9 बजे। आज थोड़ा वीडियो लेट आया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्टेनोवार जी परिवार की ओर से। और इसी अवसर पर स्टेनोवार जी ने बिहार सिविल कोर्ट के सभी विद्यार्थियों के लिए जो स्टेनो का सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर आप बहुत बेहतरीन स्टेनोग्राफी कर सकते हैं अपने, जो बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उस पर एक विशेष छूट रखी गई है, जिसमें आपको एग्जाम तक, आज से एग्जाम तक, अगर आज आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो मात्र 499 में आपको एग्जाम तक उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिलेगा, जहां पर आपको सभी प्रकार के डिक्टेशन, लीगल, जनरल, टॉपिक वाइज सब डिक्टेशन वहां पर अवेलेबल होंगी। और इसी के साथ साथ रिटर्न का बहुत सारा कॉन्टेंट और जो है डेली लाइव 8 बजे रात को क्लास अवेलेबल होगा। चलिए, आज के इस ऑफर की बात के बाद बढ़ते हैं एक बार फिर हम हमारे प्रश्नों की ओर। और आज हम लेंगे, हमारी जो शुरुआत है वो करेंगे हम एरर्स से, ठीक है? तो चलिए, इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स लिए है। आज जो मैंने एरर्स लिए एक्चुअल में जो फिक्स प्रिपोजिशन है वहां से उठाई है, ठीक है? तो टॉपिक वाइज अगर चलते हैं तो देखिए, ही, अच्छा सॉरी, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ही की, ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, स्टॉप, यू कांट रिलाई हिम। यह देख याद रखिएगा, हमेशा रिलाई का मतलब विश्वास करना होता है, और रिलाई के साथ जो है ऑन हमेशा यूज किया जाता है। तो ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, यू कांट रिलाई ऑन हिम, यू कांट रिलाई ऑन हिम, लिख लीजिएगा। रिलाई का मतलब निकल कर आता है यहाँ पर क्या, विश्वास करना, तो किसी पर रिलाई ऑन, ठीक है? हिज मदर इज नॉट वेल, बट ही डज नॉट लुक फॉर हर प्रॉपरली। ही डज नॉट, सेंटेंस का सिंटेक्स बिल्कुल ठीक है, लुक फॉर का मतलब नहीं, लुक फॉर का यहाँ पर मतलब नहीं होगा। ही डज, उसकी माताजी जो है अच्छी नहीं है, यानी तबीयत खराब है, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, तो यहाँ पर ये चीज बदली जाएगी। सम पर्सन बिल्कुल ठीक है, गेट प्रमोशन इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर देम। याद रखिए, वर्दी फॉर नहीं, वर्दी ऑफ देम होता है, वर्दी फॉर नहीं, उपयुक्त, योग्य, वर्दी ऑफ देम। दे हैव क्वारल्ड फॉर अ पीस ऑफ लैंड, सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लगता है कि उनकी लड़ाई हुई एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए, हम फॉर लगा देते हैं, लेकिन नहीं, किसी चीज के लिए नहीं, किसी चीज पर विवाद होता है, पर यानी दे हैव क्वारल्ड ओवर अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है? तो क्वारल्ड ओवर आएगा यहाँ पर, नेवर लाफ ऑन नहीं, लाफ के साथ हमेशा क्या आता है, एट, लाफ के साथ आप जानते हैं हम सभी क्या आता है, एट, नेवर लाफ लाफ एट द डिसेबल्ड। तब ही इज यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, अगर यहाँ पर इज नहीं आता, ही यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सही सेंटेंस था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखिए एक नियम क्या कहता है ग्रामर का, ही इज, इट मींस, अब ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि हम जानते हैं ही यूज टू, ये पुरानी हमारी आदतों को दिखाता है पास्ट की। लेकिन अगर इज भी आ गया है ना, तो वह प्रत्येक सुबह, वह जो हर सुबह जो है चाय लेते हैं या चाय पीने की उनकी आदत है, ठीक है? तो इस समय सिचुएशन में जब सेंटेंस प्रेजेंट में आ जाता है, तो ही इज यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, क्योंकि इसके साथ आई एन जी आएगा, ठीक है? ही यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, उनकी हर सुबह चाय लेने की आदत है, या वो सुबह चाय लेते हैं। चलिए, शी रेफरेंस टू डू हिज वर्क, गलत, रेफरेंस, एब्सटेन, इनके साथ हमेशा जो है फ्रॉम यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाएगा, फ्रॉम। तो ही, शी रेफरेंस फ्रॉम डू दिस, शी रेफरेंस फ्रॉम डूइंग दिस वर्क, यहाँ पर फ्रॉम के बाद आई एन जी लगेगा। ही हैज अ पैशन टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, नहीं, पैशन के साथ देखिए, गौर से पढ़िए, समझे, ही हैज अ पैशन टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, देखने में अजीब लगता है सेंटेंस, क्या शायद गलत होगा, बट ये सेंटेंस बिल्कुल सही, इसमें कोई गलत नहीं है, पैशन के साथ टू का यूज किया जाए। अनिल गोज टू ऑफिस इन कार, नहीं, बाय कार, कार में नहीं, कार के द्वारा इनका, ठीक है? तो यहाँ पर ये इन वाले जो सेंटेंस वर्ड है इसमें गलत है यहाँ पर। यू आर एडिक्टेड फॉर गैम्बलिंग, नहीं, एडिक्टेड के साथ हमेशा टू लगता है, एडिक्ट के साथ हमेशा टू लगता है। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, बिल्कुल सही है, एब्सटेन के साथ फ्रॉम, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगता है हमेशा। He was prohibited to enter the temple. He was prohibited to, नहीं, prohibited, abstain और refrain के साथ हमेशा from लगता है। He was prohibited from entering the temple. Entering the temple, sorry. तो entering इसके बाद जो है ing की form आएगी वहां पर। Children are found off, हमेशा पसंदीदा किस चीज के लिए found off लगता है। He was prevented from, तो prevented, prohibited, एब्सटेन और रिफ्रेन, तीनों के, चारों के साथ जो है हमारे फ्रॉम यहाँ पर वर्ब यूज किए जाएंगे। चलिए, हमारे ये पूरे होते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं हम, कुछ कंफ्यूजेबल वर्ड्स में लिए हैं मैंने, ताकि क्योंकि इनकी स्पेलिंग्स में कई बार कंफ्यूजन होता है,
तो उसको देखते हैं, एक्सेप्ट एडब्ल्यूसी ईपीटी, स्वीकार करना, एक्सेप्ट एक्सीईपीटी सिवाय छोड़कर, एक्सेस एडब्ल्यूसी ईडब्ल्यूएस पहुंच, मतलब मेरी एक्सेस है, पहुंच है वहां तक, ई एक्स सी ई डब्ल्यू एस अधिकता, एक्सेस मात्रा में उत्पादन हो गया, ठीक है, प्रोड्यूस ज्यादा हो गए, सब उसकी अडॉप्ट अडॉप्ट अडेप्ट, अडॉप्ट में अनुकूल बना देना, रूप देना, अडॉप्ट अपनाना, गोद लेना, अडेप्ट निपुण कुशल, ये तीनों स्पेलिंग्स याद रखें, ये आपके मिसल फेल्ट में आ सकती हैं, ठीक है, विच इज डिफरेंट करके, अफेक्ट इफेक्ट इफेक्ट, अफेक्ट प्रभावित करना, इफेक्ट नाउन प्रभाव डालना, प्रभाव और इफेक्ट लागू करना, एडवाइस 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 सलाह, एडवाइस सलाह देना, असीड एक्सीड, एक्सीड अतिक्रमण करना, सीमा से बाहर चला जाना, असीड स्थान प्राप्त करना, स्वीकार करना। चलिए अब बात करते हैं हम जो इडियम फ्रेजेस के बारे में, इन क्लोड इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड क्रूएल्टी यानी दयाहीनता से, इन अ फिक्स कंफ्यूज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ फिक्स कंफ्यूज इन एड सी जो अपन पहले भी देखे थे, इन नटशेल ब्रीफ में, कागज में सागर बनने वाली जो बात है वो इन ए नटशेल, जुडास्किस जुडास्किस फॉल्स लव झूठा प्रेम, किक द बकेट टू डाई, किक द बकेट टू डाई, ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना, याद रखिएगा, किथ एंड किन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव आपसी संबंध जो होते हैं, प्रेमी सॉरी प्रेमी ने रिश्तेदार, किथ एंड किन रिश्तेदार, लव इन दी लर्च, लव इन दी लर्च टू डेजर्ट, अब ये देखिए डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट का मतलब त्याग देना या छोड़ जाना, रेगिस्तान भी है, ठीक है, और एक अगर ऐसा हो रहा था तो ये हो जाता मीठा जो हम खाने के बाद लेते हैं, डेजर्ट, मिडास टच द एबिलिटी टू मच ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मिडास टच का मतलब देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई चीज है जो आप कर रहे हैं उसमें आप अपना हाथ डालें और हाथ डालते ही वो चीज प्रॉफिट में चेंज हो जाए, वो मनी से अमाउंट वहां पर बहुत आ जाए, तो वो कहता है मिडास, नन एंड वॉइड इनवैलिड, नन एंड वॉइड का मतलब इनवैलिड कोई वैल्यू नहीं, नट एंड बोल्ट्स एसेंशियल डिटेल्स, नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब आवश्यक जो सूचनाएं हैं वो, याद रखिएगा एक वर्ड है एसेंशियल एक है इनिशियल, इनिशियल प्रारंभिक होता है एसेंशियल आवश्यक होता है, वन वर्ड की बात करते हैं हम, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली बुरी तरीके से इसको डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद नष्ट नाबूद कर देना, एनिहिलेट एनिहिलेट, रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग पीपल, एटिकेट्स हम बात करते हैं, एटिकेट्स ए टी आई क्यू यू ई डबल टी ई इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा बिकॉज ये आपको मिसेस बेल्ट में पूछी जा सकती है, एटिकेट्स, रिडक्शन इन अ टैक्स और डेब्ट, किसी प्रकार की छूट अगर दी जाती है तो उसे कहते हैं हम रिबेट, टैक्स में और डेम, रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर, कोई ऐसी घटना जो एंड हुई है डेथ से या फिर बहुत भयानक डिजास्टर उसमें हुआ है तो उसको हम कहते हैं फैटल, घातक, रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड इंटेलेक्ट तार्किक क्षमता बुद्धि, रिसीविंग गेस्ट वार्मली हॉस्पिटैलिटी मेजबानी, ठीक है, तो इसके बाद प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड, प्लेस फॉर गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड अजाइलम को अपन कहते हैं, प्रिंसिपल दैट द वॉर शुड प्रिंसिपल दैट द वॉर शुड एंड कुड बी अबॉलिश्ड, पैसिफिज्म पैसिफिज्म, मैरिज ऑफ गॉड थियोगैमी, व्हीकल टू कैरी डेड बॉडीज हेयर्स, गवर्नमेंट बाय द रिच एंड पावरफुल क्लास प्लूटोक्रेसी, याद रखिएगा गवर्नमेंट के बहुत सारे टाइप होते हैं जैसे एरिस्टोक्रेसी डेमोक्रेसी प्लूटोक्रेसी, ठीक है, तो इनको याद करके चले आप, स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स ब्लास्फेमी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, स्पेलिंग में भी पूछा जाता है आपसे, और याद रखिएगा स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड धार्मिक और पवित्र चीजों के बारे में गलत गलत बोलना जो है वो ब्लास्फेमी कहलाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी की तरफ आगे बढ़ते हैं जो शीघ्र प्रश्न हो जाए, आशुतोष, आशुतोष शिव को कहते हैं, परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति, कोई ऐसी कथा जो पारंपरिक तौर पर चली आ रही है उसे अनुश्रुति कहते हैं, नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष और ऊपर की ओर ले जाना उत्कर्ष, आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसका उसका त्याग अपरिग्रह, अपरिग्रह किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वकील अधिवक्ता, ठीक है, जिसको आप लर्नेड काउंसिल बोलते हैं, जिसे समझना सरल ना हो दुर्बोध, जिसे समझना सरल हो सुबोध, जो सरलता से पच जाए सुपाच्य, जिसे करना सरल हो सुकर, जहां जाना सरल हो सुगम, जिसकी पूर्ति आसानी से हो सुपूर्य, जैसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, लोम हर्षक, क्या है लोम हर्षक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इनको सभी को, ठीक है।
उसके बाद शब्द शुद्धि, मैं हमेशा की तरह फिर से वही बात कहूंगा, आपको लिखकर याद करेंगे तो वो आसानी से याद हो जाएंगे शब्द शुद्धि, क्योंकि बात शब्द शुद्धि में लिखने की ही तो समस्या है। निर्दोषी नहीं निर्दोष, वह निर्दोषी है नहीं वह निर्दोष है। प्रासंगिक नहीं प्रासंगिक, क्योंकि लास्ट में जब एक प्रत्यय आता है तो पहला जो वर्ण है सॉरी लेटर जो है वो कैपिटल हो जाता है, या कैपिटल जैसे मान के चलिए दीर्घ हो जाता है। प्रौढ़ नहीं प्राउड, अगम नहीं अगम्य, अधि अधीक्षक नहीं अधीक्षक, अध्यात्मक नहीं आध्यात्मिक, बहुत बार आया मतलब इसको अच्छे से याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। एहसास नहीं एहसास, ईंधन नहीं ईंधन, उषा नहीं उषा, उर्मी उर्मी नहीं उर्मी, परमात्मा नहीं परमात्मा, बरसात नहीं बरसात, बलिदान नहीं बलिदान। ठीक है, तो इनको ढंग से लिख करके याद करें, बार बार लिखें, कम से कम दो दो तीन तीन बार, ढंग से याद हो जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियां, सूरदास की काली कामरी चढ़े न दूजो रंग, ये लोकोक्ति है, स्वभाव कभी नहीं बदलता। यह मूंग और मसूर की दाल, सामर्थ्य से बढ़कर बात करना, ठीक है, तो ये लोकोक्ति है। लंका में सब 52 गज के, एक से बढ़कर एक। शेखी सेठ की पर धोती भाड़े की, ज्ञान धारण होने पर ना होने पर भी बड़प्पन दिखाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं मुहावरे कुछ। अंगूठा चूमना चापलूसी करना, अंगूठा दिखा देना जरूरत पड़ने पर सहायता करने से मना कर देना, अंक लगना गले लगना शरीर का अलंकरण करना, अंग लगना अंक लगना और अंग लगना शरीर पर विकास करना, जैसे आप कुछ खाते हैं फिर आपके अंग लग जाता है, बॉडी जो है डेवलप हो जाती है। अंगारे सिर पर धरना बहुत दुख सहना, अंडे सेना घर में ही बैठे रहना, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं कुछ खास विलोम शब्द, उनकी बात करते हैं। आर्ष का अर्थ होता है वैदिक अनार्ष, दुर्दिन सुदिन बुरे दिन अच्छे दिन, दुर्देव सौभाग्य दुर्भाग्य का होता है ना, तिक्त कड़वे को बोलते हैं मधुर, ठीक है। तरंगित निस्तरंग, प्रतीची प्राची, ठीक है, याद रखेंगे इसको। मर्त्य मरने योग मर्त्य अमर, महात्मा दुरात्मा, मित्र सीमित अपरिमित अमित, ये बहुत आता है एग्जाम में। रिपु मित्र दुष्रिपु यानी जो है दुश्मन मित्र। अब बात करते हैं कुछ समानार्थक शब्दों की जिनका अर्थ बिल्कुल समान होता है लेकिन थोड़े से वो चेंजेस रहते हैं उनमें। कार्य कोई भी सामान्य कार्य करना जो कार्य होता है, कर्तव्य वह काम जिसको करने के लिए नैतिक अनिवार्य हो, चेष्टा किसी काम करने के लिए किया जाने वाला साधारण प्रयत्न, आपने चेष्टा की प्रयास सफलता की आशा से किए जाने वाले विशेष प्रयत्न, चेष्टा और प्रयास में बड़ा अंतर है, इसके विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। चतुर अच्छे कार्य में होशियार, चालाक बुरे कार्य में निपुण, वह चतुर है और चालाक है, अंतर क्या है, चतुर अच्छे के लिए चालाक बुरे के लिए। द्वेष शत्रु के प्रति विरोधी भाव, आपका द्वेष शत्रु के प्रति विरोधी भाव। ईर्ष्या दूसरों की प्रगति सहन न करना पाने से उत्पन्न भाव। स्पर्धा विकास में अन्य लोगों से आगे बढ़ने की भावना है, कॉम्पिटिशन जिसको अपन कहते हैं। प्रतियोगिता ठीक है, समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक प्रतिभागिता सहभागिता का कार्यक्रम। निबंध ऐसे और लेख, निबंध किसी विषय का ऐसा विवरणात्मक विवेचनात्मक आलेख जिसमें विषय की प्रस्तुति में लेखन या अभिव्यक्ति का कौशल प्रमुख हो, और लेख में किसी ऐसे विषय पर विवरणात्मक विषय आलोक जिसमें विषय वस्तु की प्रदान हो प्रस्तुति की नहीं। मतलब कहने का मतलब निबंध में आप पूरे प्रेजेंट करते हैं चीजों को, लेकिन आप प्रेजेंट नहीं करते जो सब्जेक्ट आपका ठीक है उस पर ही आप बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आपका जो ये है आज का पेपर जो है कंप्लीट होता है। आज कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं रखे मैंने, हम आगे और रखेंगे, और इन एलर्ट को जरूर देखिएगा बहुत विशेष तौर पर, और जो मैंने आपको बताया है शॉर्ट एंड के स्किल टेस्ट के बारे में ठीक है उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं tanwarjee.com एक बार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल सुबह मिलते हैं ठीक 9 बजे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।